नमस्कार, आप देख रहे हो ऑन द स्पॉट 24। झारखंड की राजनीति 17 नवंबर को काफ़ी गर्म होने वाली है। इसको लेकर झारखंड की राजधानी रांची में काफ़ी हलचल तेज़ हो चुकी है। मालूम हो कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में पेश होने वाले हैं। जी हां, जहां ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे अवैध खनन के मामले में। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री 16 नवंबर को पेश होना चाहते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा ईडी के अधिकारियों को यह कहा गया था कि वह 16 नवंबर को पेश होना चाहते हैं और वह पूछताछ करें, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 17 नवंबर को ही पेश होंगे और इसको लेकर रांची में तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जो है ईडी के दफ्तर में प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। जी हां, जेएमएम कार्यकर्ता जो है अभी से ही रांची में जुटने लगे हैं और हजारों की संख्या में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रांची के जो हिनू में ईडी के ऑफिस हैं वहां पर मुख्यमंत्री अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए पूछताछ में शामिल होंगे और इसको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। वहीं ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से क्या पूछताछ करते हैं यह तो 17 नवंबर को ही जानकारी मिल सकेगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश में हैं और ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है इस मामले में वो लगातार कह रहे हैं कि यह राजनीतिक हो रही है, झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश है और केंद्र की एजेंसी जो है भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आगे भी कहा कि राज्य सरकार ईडी से नहीं डरती है और जो भी ईडी के अधिकारी पूछताछ करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से करे, लेकिन वह अपने आकाओं के निर्देश पर ना करे, जो हो निष्पक्ष रूप से जो है ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से पूछताछ करे। मालूम हो कि ईडी के द्वारा लगातार अवैध खनन के मामले में जाँच की जा रही है और इस मामले में अब तक कई लोग जो है जेल की हवा खा चुके हैं और जेल की हवा खाने के क्रम में जो है ईडी के द्वारा जो इन लोगों से पूछताछ के दौरान जो भी सबूत मिले हैं उसी सबूत के आधार पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जो है ईडी के द्वारा समन किया गया है पूछताछ के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पहली बार ईडी के सवालों के सामने होंगे और ईडी के अधिकारी सवालों के कितने बौछार करते हैं और मुख्यमंत्री उन सवालों का जवाब कैसे देते हैं और सवालों के जो बौछार हैं उनका वह किस प्रकार से सामना करेंगे यह तो 17 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ईडी के अधिकारी जो लगातार दावा करते हैं कि संथाल परगना के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये का अवैध उत्खनन कर घोटाला किया गया है और इनमें जो है मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के नाम हैं जिनमें बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित अन्य व्यवसायी एवं अधिकारी शामिल हैं। अब इन अधिकारियों से जो ईडी ने पूछताछ की उनसे जो सबूत जुटाए हैं उन सबूतों के आधार पर ही ईडी जो है अपना प्रश्न जो है तैयार की हुई है। अब ईडी के अधिकारी जब मुख्यमंत्री के सामने उन प्रश्नों का जवाब लेंगे तो फिर मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं यह सबसे बड़ी बात होगी और झारखंड की राजनीति के लिए 17 नवंबर एक बड़ा दिन होगा, क्योंकि राज्य में महागठबंधन की सरकार है और इसको लेकर के जो है महागठबंधन के कार्यकर्ता काफ़ी जोश में हैं। इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऑन द स्पॉट 24।